Hello dear children, how are you all? I hope you all are fine and taking good care of yourselves. So today we are going to start with our new chapter of Standard 8 course book of literature. So the chapter which we are going to start is Chapter 8 Through Grandpa's Eyes. So before moving on to the chapter, I would like to explain you about the objectives of learning this chapter. Why we are going to learn this chapter? What are the main objectives of learning this chapter? First, let's discuss about that. So, the first objective is to understand the world of the visually impaired. So, what do you mean by visually impaired, children? This word is related to our chapter. Visually impaired means जो लोग नहीं देख सकते हैं. उनके बारे में दिस चैप्टर इज देयर हाउ दैट ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन इन देयर लाइफ द पीपल हु कांट सी सो फॉर बाय सीइंग लर्निंग दिस चैप्टर यू विल कम टू नो अबाउट देम द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द स्पेशल बॉन्ड बिटवीन द ग्रैंड पेरेंट एंड अ ग्रैंड चाइल्ड मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो आपके होते हैं दादा दादी नाना नानी उनके साथ आपका जो स्पेशल बॉन्डिंग होता है रिलेशन होता है उसके बारे में वी विल लर्न द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉग्नाइज द एडमायरेशन द चाइल्ड होल्ड्स फॉर हिज ग्रैंड फादर मतलब इसमें जो चाइल्ड है उसको अपने ग्रैंड फादर के लिए के बारे में वो क्या सोचता है क्या एडमायर करता है अबाउट दैट यू विल लर्न एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव यू आर गोइंग टू लर्न इज टू नो दैट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल आर इंडिपेंडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जिनको फिजिकल प्रॉब्लम कुछ होती है वो एकदम ही अपने आप से इंडिपेंडेंट होते हैं खुद से अपना सारा काम कैसे कर लेते हैं क्या करते हैं अबाउट दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो थ्रू द वार्म अप एक्सरसाइज इन दिस इट इज गिवन Close your eyes and examine a pen or pencil using only your fingertip. मतलब आप अपनी आँखें बंद करो और पेन पेंसिल को रिकॉग्नाइज करने की ट्राई करो अपने फिंगर टिप से उसको टच करके उसे विजुअलाइज करने की ट्राई करो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम लुकिंग एट समथिंग विथ योर आइज और फिर आप ये सोचो कि ये कैसे अलग है डायरेक्टली जब आप अपने आँखों से देखते हो तो वो कैसे अलग लगता है और आँख बंद करके उसको महसूस करने की ट्राई करते हो तब कैसा लगता है With your eyes closed, pay attention to the sounds and voices that you can hear around you. और दूसरा ये try करो close your eyes and सुनो क्या आवाज़ें आपके आजू बाजू में आपको सुनाई दे रही हैं And then try to guess what these sounds are and which direction they are coming from. और उसके बाद आप guess करो कि ये आवाज़ किस चीज़ की आपको सुनाई दे रही है and किस direction से वो आ रही है Now, थोड़ी बहुत तो हिंट आपको मिली गई होगी कि अबाउट वॉट दिस चैप्टर इज नाउ इन दैट फ्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू यू द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डू द वर्ड्स विजुअल इम्पेयरमेंट मीन इसका मतलब क्या होता है आई एक्सप्लेन यू फर्स्ट ओनली द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डू विजुअली इम्पेयर्ड पीपल मैनेज टू डू देयर डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसे वो मैनेज करते हैं जो नहीं देख सकते ऐसे लोग एंड थर्ड इज What senses help them to see or perceive the world? और क्या कौन से senses वो use करते हैं पूरे world को देखने के लिए और उसे महसूस करने के लिए So the answers are here. Visually impairment meaning is given over here. Visually impairment is the functional limitation of the eye. जैसे मैंने आपको बोला दिखने में problem हो और eyes or the vision system. जो देखने की जो सिस्टम होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो उसे कहते हैं विजुअली इम्पेयरमेंट द सिम्टम्स ऑफ विजुअली इम्पेयरमेंट कैन रेंज फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस उसमें ये एक सिम्टम होता है कि कलर ब्लाइंडनेस लोग कलर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते टू हेजी विजन टू टोटल लैक ऑफ विजन और उसमें फिर धुंधला हेजी विजन मीन्स धुंधला दिखाई दे ऐसा हो सकता है या टोटल लैक ऑफ विजन मतलब बिल्कुल दिखाई ना दे ये थ्री टाइप्स होते हैं
देन हाउ डू दे डू देयर डेली डे टू डे एक्टिविटीज़, उस क्वेश्चन का आंसर होगा कि विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लर्न टू कोप विथ डे टू डे एक्टिविटीज़ बाई यूजिंग द अदर फोर सेंसेस. उनके जो टोटल हमारे पास फाइव सेंसेस होते हैं, तो वन तो दे कुडंट सी, तो दैट सेंस दे कांट यूज़, तो दूसरी जो चार सेंसेस है उससे उसे यूज़ करके दे कैन रिकॉग्नाइज द होल वर्ल्ड एंड कोप अप विद देयर एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़. एंड विच आर दैट फोर सेंसेस दे यूज़? द सेंसेस ऑफ स्मेल, टच, हियरिंग एंड टेस्ट हेल्प देम टू सी द वर्ल्ड. पूरा वर्ल्ड देखने में ये दूसरे उनके जो चार सेंसेस है वो हेल्प करते हैं. सो आई होप चिल्ड्रन यू वुड हैव कम टू नो अबाउट द चैप्टर. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द समरी ऑफ द चैप्टर. लेट्स रीड द समरी सो दैट द होल चैप्टर विल बी क्लियर टू यू ऑल. इन दैट This chapter is through grandpa's eyes. It is a book about a young boy. This whole chapter एक छोटे से बच्चे के बारे में है who is spending time with his grandparents. जो अपने grandparents के घर गया हुआ है time spend करने के लिए. And his grandparents happen to be blind. And John, the young boy, is learning how grandpa lives his day-to-day life. और उसके जो grandpa है वो ब्लाइंड है और उस लड़के का नाम जॉन है और वो ये जानने की ट्राई करता है, ये सीखने की ट्राई करता है कि उसके ग्रैंडपा अपनी डे टू डे लाइफ कैसे जीते हैं. एंड थ्रू आउट द बुक मेनी टाइम्स जॉन सेज ही इज़ लुकिंग थ्रू ग्रैंडपास आइज़. और पूरे चैप्टर में बहुत बार जॉन कहता है कि वो अपने ग्रैंडपा की आँखों से देखता है. सो वॉट डज इट मीन? दैट मीन्स ही क्लोजेज हिज ओन आइज and seeing the world through his own senses. और वो क्या करता है, खुद की भी आँखें बंद करके वो विजुअलाइज करने की ट्राई करता है कि उसके ग्रैंडपा कैसे देखते हैं, कैसे सेंस करते हैं एंड अदर सेंसेस कैसे यूज़ करते हैं, लाइक हियरिंग, स्मेलिंग, टचिंग एंड टेस्टिंग. ये सब सेंसेस वो कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज दैट इज़ वॉट ग्रैंडपा हैज़ टू डू, बिकॉज उन्हें यही ऑप्शन है उनके पास करने के लिए. Then, in the beginning of the book, starting ke chapter mein, John claims his grandpa's house is the best. वो ऐसा कहता है कि उसके grandpa का जो घर है वो सबसे best है. क्यों? Because he gets to see it through his grandpa's eyes. क्योंकि उसे उसके grandpa की आँखों से ये सब कुछ चीज़ें देखने मिलती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है. एंड नाउ वी कैन सी वाई इट इज़ बेस्ट. और अब हम देखेंगे कि क्यों उसे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट है. तो जॉन लर्नड टू लव द हाउस फ्रॉम यूजिंग हिज अदर सेंसेस एंड जॉन लर्न्स अ लॉट फ्रॉम हिज विजुअली इम्पेयर्ड ग्रैंडपा. क्योंकि जॉन अपने हाउस को बहुत ही पसंद करने लगा उसके ग्रैंडपा की वजह से. और जॉन ये भी सीखता है कि उसके जो ग्रैंडपा जो विजुअली इम्पेयर्ड है उससे बहुत कुछ चीज़ें उसे सीखने मिलती है इस वजह से. ही गेट्स टू सी द वर्ल्ड इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ द बुक. और उसे वो जो वर्ल्ड है एकदम ही जो देख पाते हैं उनके नज़रिए से जैसे उसको लग रहा था, बट उससे भी एकदम अलग नज़रिए से उसे ये पूरा घर देखने मिल रहा है. पूरी वर्ल्ड दुनिया उसे अलग लगती है, कम्प्लीटली डिफरेंट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ग्रैंडपा के. तो इसे उसे ये बहुत ही अच्छा लगता है. सम पीपल माइट थिंक इट वुड बी टेरिबल इफ़ दे सडनली बिकम विजुअली इम्पेयर्ड. कोई कोई लोगों को ऐसे लगेगा कि अगर वो अचानक से उनका जो देखने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी तो उन्हें बहुत ही टेरिबल, बहुत ही भयानक लगेगा. बट जॉन थिंक्स इट्स काइंड ऑफ कूल. बट जॉन को ये सब उसने देखा हुआ है तो उसे ये बहुत ही अच्छा लगता है, कूल लग रहा है, शांति से वो उसे हैंडल कर पाता है. बिकॉज ही लाइक्स टू व्यू थिंग्स थ्रू हिज ग्रैंडपास आइज. क्योंकि उसे उसके ग्रैंडपा की आंखों से ये दुनिया देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था. द बुक शोज अस हाउ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लीव देयर लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पीपल हु कैन सी.
और ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि कैसे विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं, जो नहीं देख पाते हैं, उनकी लाइफ कैसे पूरी तरीके से अलग होती है जो दूसरे लोगों से जो देख पाते हैं उनसे. द बुक शेड्स मच पॉजिटिविटी फॉर पीपल हु आर ब्लाइंड. और ये चैप्टर जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है उनके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाता है. एंड दैट इट मे नॉट बी ईजी टू डू थिंग्स बट इट कैन बी डन. और ये भी हमें सिखाता है कि पहले हमें ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये चीज़ें करना, बट देन ऑल्सो वो हो सकती है ये सारी चीज़ें. सो दिस वुड बी अ बुक आई वुड चूज टू शेयर टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. और ये चैप्टर वो जॉन कहता है कि मैं पूरे क्लास को सिखाना चाहूँगा ये चैप्टर, कि जिससे उनका देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा. आई वुड चूज़ टू शेयर टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई बिलीव इट शोज. और ये जॉन ऐसा बिलीव करता है कि ये बताता है कि वॉट डज इट शो, क्या सिखाता है ये चैप्टर. प्रमोट पॉजिटिव इमेजेस ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड शो देयर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज अलॉन्ग विद देयर डिसेबिलिटीज. एक तो पॉजिटिविटी क्रिएट करता है लोगों के माइंड में डिसेबल लोगों के प्रति, और दूसरा स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज अलॉन्ग विद डिसेबिलिटीज. वो बताता है कि जो कोई डिसेबिलिटीज हो किसी में, बट देन ऑल्सो इट बिल्ड्स अप द स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी कि हम ये कुछ कर सकते हैं वैसा. And then I really like this book because of the relationship between John and his grandpa and the view who has given, the view which has been shared. वो कहते हैं कि उन्हें ये जॉन और ग्रैंडपा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी लगती है. So this is the summary of the chapter. Now let's dear children begin with the chapter. So here our chapter starts. Here it is given, Grandpa does not see things the way I do. ये पूरा चैप्टर जॉन ही बोल रहा है. सो ही इज़ टेलिंग कि जैसे मैं दूसरी चीज़ों को देखता हूँ वैसे मेरे ग्रैंडपा नहीं देख पाते हैं. ही हैज़ हिज ओन वे ऑफ सीइंग थिंग्स. उनका एक अलग ही तरीका है चीज़ों को देखने का. इन द मॉर्निंग द सन पुशेज थ्रू द कर्टन्स इन टू माई आइज. और जॉन ही इज़ ओनली द ऑथर इज सेइंग कि मॉर्निंग में सन कर्टन में से अंदर आ जाता है, सनलाइट आ जाती है एंड मुझे आँखों में भी ऐसे रोशनी लगने लगती है. एंड इट वेक्स ग्रैंडपा डिफरेंटली फ्रॉम द वे इट वेक्स मी. एंड ही इज़ टेलिंग कि वो जैसे ग्रैंडपा को अलग तरीके से जगाता है, मुझे जैसे जगाता है उससे थोड़ा अलग तरीके से ग्रैंडपा को जगाता है. कैसे जगाता है, लेट्स सी. ही सेज इट टचेज हिम बिकॉज ग्रैंडपा इज़ ब्लाइंड. तो ग्रैंडपा के आँखों में रोशनी नहीं जाती है और ये ऑथर है उसके आँखों में रोशनी जाती है जॉन के आँखों में, तो वो जॉन ऐसे जग जाता है. बट ग्रैंडपा को उसका टच वो फील करके जागते हैं, जैसे वार्मिंग हिम अवेक. जैसे उसको थोड़ी गर्माहट ग्रैंडपा को लगती है तो उन्हें लगता है कि सुबह हो चुकी है. ग्रैंडपा स्माइल्स बिकॉज ही हियर्स मी एंटरिंग हिज रूम. और ग्रैंडपा को सुनाई देती है पैरों की मेरी आवाज़ जैसे मैं उनके रूम में एंटर करता हूँ, और वो हंसते हैं, स्माइल करते हैं मेरी तरफ. और तुरंत ही उन्हें ब्लाइंड है फिर भी पता चल जाता है कि जॉन रूम में एंटर हुआ है. एंड ही सेज गुड मॉर्निंग जॉन, वेयर्स नाना, आई आस्क हिम. गुड मॉर्निंग वो कहता है, गुड मॉर्निंग कहते हैं जॉन को, और जॉन पूछता है वेयर्स नाना. नाना मीन्स उन, वो नाना को अपनी दादी को नाना कहता है. डोंट यू नो, क्लोज योर आइज जॉन एंड लुक थ्रू माई आइज. और ग्रैंडपा रिप्लाई करते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि कहाँ है तुम्हारी दादी, अपनी आइज क्लोज करो जॉन एंड मेरी आँखों से देखो. ऐसे ही इज टेलिंग. देन आई क्लोज माई आइज. Down below, I hear the banging of pots and the sound of water running that I didn't hear before. और पहले जब अपनी आँखें खुली थी तब मैंने नहीं देखा था. तो वो अपनी आँखें बंद करता है और उसे नीचे से आवाज़, ऐसे लगता है कि नीचे से आवाज़ आ रही है, पॉट्स के बैंगिंग आवाज़ आ रही है, पॉट्स की खाना बनाने की एंड नाश्ता बनाने की. एंड द साउंड ऑफ वाटर, पानी भी जा रहा है, ये आवाज़ भी उसे सुनाई देती है. बट वो पहले उसे जब आँखें खुली थी तब उसे ये आवाज़ नहीं सुनाई देती. देन
नाना इज इन द किचन मेकिंग ब्रेकफास्ट आई से, और तुरंत ही जॉन बोलता है कि दादी किचन में है, ब्रेकफास्ट बना रही है। When I open my eyes again, I see Grandpa nodding at me. और जब वो जॉन अपनी आँखें खोलता है तब उसे उसके Grandpa अपना सिर हिलाते हुए दिखाई देते हैं। He is tall. Now ये appearance बताया गया है उसके Grandpa का कि वो बहुत ही लंबे हैं with light grey hair, और उनके जो बाल हैं थोड़े बहुत सफ़ेद हो चुके हैं, grey color के हैं, and his eyes are sharp blue. शार्प ब्लू मीन्स सी हियर द मीनिंग इज गिवन क्लियर ब्लू, एकदम क्लियर ब्लू कलर के ही है आइज। इवन दो दे आर नॉट शार्प सीइंग, बट ब्लू कलर की आंखें बहुत ही अच्छी है, बट देन ऑल्सो दे आर नॉट शार्प सीइंग मीन्स एबल टू सी वेरी वेल एंड नोटिस इवन स्मॉल डिटेल्स। बट बहुत ही शार्प सीइंग, नॉट शार्प सीइंग मतलब उसे इतने अच्छे से दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी छोटी छोटी चीज़ें भी। देन ब्रेकफास्ट कॉल्स नाना, और उसकी दादी की फिर आवाज़ आती है चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए। आई स्मेल एग्स फ्राइंग सेज ग्रैंडपा, और ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे स्मेल आ रही है एग्स के फ्राइंग की, और किस चीज़ की आ रही है, बटर टोस्ट, और टोस्ट के ऊपर बटर लगाया हुआ है, ये चीज़ों की स्मेल आ रही है। नाउ डियर चिल्ड्रन एज वी हैव कम्प्लीटेड अवर फर्स्ट पेज आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस सो दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पेज विल बी मोर क्लियर टू यू। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द सन वेकअप ग्रैंडपा, सन ग्रैंडपा को कैसे जगाता है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, हाउ डज द सन वेकअप ग्रैंडपा, येस It wakes up grandpa. You can see the answer over here. It wakes up grandpa differently from the way it wakes me. कैसे उठाता है? He says it touches him, warming him awake. उसको उसकी गर्माहट महसूस होती है grandpa को और वो जग जाते हैं। Now my second question is, what does John hear when he closes his eyes? जब जॉन अपनी आंखें बंद करता है तो उसे क्या सुनाई देता है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, वॉट डज जॉन हियर वेन ही क्लोजेज हिज आइज, येस ही हियर्स, हियर इज द आंसर, ही हियर्स द बैंगिंग ऑफ पॉट्स एंड द साउंड ऑफ वाटर रनिंग दैट ही डिडंट हियर बिफोर, येस वेरी गुड। नाउ माई थर्ड क्वेश्चन इज Describe the appearance of grandpa. Grandpa कैसे लगते हैं, उनका appearance describe कीजिए। Describe the appearance of grandpa. Yes. What is the appearance? Here it is given. He is tall with light grey hair and his eyes are sharp blue even though they are not sharp seeing. Yes. I hope children you understood this first page. Now let's move on to the second page of the chapter. So, the wooden banister. Now what do you mean by banister? You can see at the end of the chapter, this page, the meanings are given over there. Banister means the railing which you can hold for supporting while going up or downstairs. जो railing लगी होती है सीढ़ियों के साथ उसे कहते हैं banister. Wooden की थी वो banister. Nowadays वो iron की या steel की होती है, but इस John के घर, दादा के घर में वो wooden की थी. Has been worn smooth from grandpa's running his fingers up and down. क्योंकि एकदम स्मूथ हो चुकी थी क्योंकि ग्रैंडपा हमेशा उसे पकड़ के उसके फिंगर्स से पकड़ के ऊपर नीचे चढ़ा करते थे। देन वो उसके आई वॉक बिहाइंड हिम, मतलब जॉन उसके दादा के पीछे पीछे चलता है। माई फिंगर्स फॉलोइंग ग्रैंडपास स्मूथ पाथ, और उसके फिंगर्स भी वो स्मूथ पाथ को ग्रैंडपा जहाँ होल्ड करके उतर रहे थे वो स्मूथ पाथ को फॉलो करते हैं। We go into the kitchen, और बाद में उन लोग कहाँ जाते हैं, किचन में, क्योंकि उन्हें दादी बुला रही थी नाश्ता करने के लिए। I smell flowers, says grandpa. Now फिर grandpa कहते हैं कि मुझे बहुत ही flowers की smell आ रही है, अच्छी अच्छी smell आ रही है। What flowers, I ask. फिर John उन्हें पूछता है कि कौन से flowers? He smiles. दादा हंसने लगते हैं।
ही लव्स गेसिंग गेम्स, और उन्हें कौन सी गेम्स बहुत पसंद है, गेस करने वाली, कि कुछ क्लू दिया गया हो या कुछ स्मेल आ रही हो तो उसे गेस करना कि ये किस चीज़ की स्मेल है, तो वो गेस करना स्टार्ट करते हैं। नॉट वायोलेट्स जॉन, नॉट पेओनीस, तो दादा कहते हैं, यू कैन सी डाउन हियर द पिक्चर्स आर बीन गिवन, आई वुड लाइक टू शो यू, ही इज़ टेलिंग वायोलेट्स मीन्स, ये वायोलेट्स का पिक्चर है फ्लावर का, ये पायोनीस का पिक्चर है, फिर कार्नेशन का पिक्चर, मैरीगोल्ड्स का पिक्चर, हियर द पिक्चर इज़ बीन गिवन, यू कैन सी दैट, सो ही इज़ स्टार्टेड गेसिंग द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स। यू कैन सी यहाँ पे वो दादा, दादी और जॉन तीनों नाश्ता करने के टेबल पे बैठे हैं और यहाँ फ्लावर्स पड़े, तो ही इज़ टेलिंग कि मुझे बहुत फ्लावर्स की स्मेल आ रही है, तो ही स्टार्टेड गेसिंग। तो यहाँ पे पहले वो वायलेट्स का नाम लेते हैं, फिर जॉन को कहते हैं नहीं नहीं ये पायोनीज है, फिर अगेन दूसरे फ्लावर का नाम लेते हैं कार्नेशंस, आई शाउट, फिर वो कौन चिल्लाता है, जॉन कहता है कार्नेशंस, तो ही इज़ ऑल्सो टेलिंग कि आई लव गेसिंग गेम्स टू, जॉन को भी ये गेसिंग गेम्स बहुत ही पसंद होती है। देन ग्रैंडपा लाफ्स, ग्रैंडपा हंसने लगते हैं उसकी आवाज़ सुन के, कार्नेशन का नाम सुन के, फिर मैरी गोल्ड्स राइट नाना, फिर वो कहता है कि मैरी गोल्ड्स है राइट, दैट्स टू ईजी स्माइल्स नाना, और नाना फिर उसकी दादी रिप्लाई करती है कि ये बहुत ही ईजी था, as she puts two plates of food in front of us, और बाद में उसकी दादी दो प्लेट खाना उसमें पर उसके दो प्लेट वहाँ पे खाने की रख देती है। इट्स नॉट एट ऑल ईजी आई प्रोटेस्ट, फिर जॉन कहता है नहीं नहीं ये इतना ईजी नहीं था, हाउ कैन ग्रैंडपा टेल, ग्रैंडपा कैसे बोल सकते हैं, ऑल द स्मेल्स मिक्स टुगेदर इन द एयर, सारी स्मेल फ्लावर्स की मिक्स हो जाती है, तो कैसे वो कह सकते हैं कि ये मैरीगोल्ड की ही स्मेल है। Close your eyes, John, says Nana. फिर उसकी दादी कहती है तुम अपनी आँखें बंद करो, Tell me what breakfast is. और नाना पूछती है कि ब्रेकफास्ट में क्या मैंने बनाया है, वो तुम स्मेल करके मुझे बताओ, तो उसे तब स्मेल आती है, क्या क्या चीज़ों की स्मेल आती है, आई स्मेल द एग्स, पहले एग्स की स्मेल आती है, आई स्मेल द टोस्ट, टोस्ट की स्मेल आती है, आई से, फिर जॉन कहता है विथ माई आईज क्लोज्ड, उसकी आँखें अभी भी बंद ही थी, और वो कहता है एंड समथिंग एल्स इट डजेंट स्मेल गुड, और कुछ ऐसी भी स्मेल आ रही है जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है, दैट समथिंग एल्स सेज नाना लाफिंग इज़ द मैरीगोल्ड, और जो खाने की स्मेल में जो स्मेल अच्छी नहीं लग रही थी वो स्मेल थी मैरीगोल्ड्स की, येस दैट वे दे आर हेल्पिंग हिम, जॉन ऐसे सीख रहा है कि कैसे विदाउट आइज उसके नाना सब कुछ मैनेज करते हैं। देन वॉट ही ईट्स, ग्रैंडपास प्लेट इज़ लाइक अ क्लॉक, और जब भी ग्रैंडपा खाना वो खाते हैं जो भी चीज़ें वो क्लॉक की तरह दिखता है, मीन्स वॉट, टू एग्स एट 9 o'clock, 9 o'clock का जब वो जो उसकी सुई 9 o'clock पे होती है वहाँ पे दो एग्स रखे होते हैं, एंड टोस्ट एट 2 o'clock, और जो टोस्ट है 2 o'clock की सुई पे रखे होते हैं, सेज नाना टू ग्रैंडपा, वो ग्रैंडपा को कहती हैं ऐसे, एंड अ डेलॉप ऑफ जैम एट 6 o'clock, और जैम जो लेते हैं वो 6 o'clock की सुई पे रखे हुए हैं होते हैं, दिस वे द प्लेट इज अरेंज्ड, I make my plate of food a clock too. और जॉन कहता है मैं भी उस तरीके से ही सारी चीज़ें अरेंज कर देता हूँ क्लॉक की तरह जैसे ग्रैंडपा ने की थी, एंड ईट थ्रू ग्रैंडपाज आइज, एंड देन ही इज़ टेलिंग कि वो अपने ग्रैंडपा की आँखों जैसे अपने ग्रैंडपा आँखों से सब कुछ करते हैं बिना आँखों के, बट मैं उनकी आँखें देख के उस हिसाब से सब कुछ करता हूँ, that way he is telling. So here our second page is ended. After that let's move on to the next page in the next lecture. Before moving on afterwards I would like to ask you few questions related to this page. Now my first question is, what does grandpa love? ग्रैंडपा को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? आई रिपीट माई क्वेश्चन, वॉट डज ग्रैंडपा लव? येस हियर इज़ द आंसर, ही लव्स गेसिंग
गेम्स। उन्हें क्या ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद थी? गेस करने वाली गेम्स की, किसी भी चीज़ों की स्मेल आती हो या कुछ चीज़ें सुनाई देती हो तो टच करती हो, उससे वो उसे गेस कर सके। ये चीज़ें उन्हें, गेसिंग गेम्स बहुत ही अच्छी लगती थी। सो माई सेकेंड क्वेश्चन इज़ वॉट डज जॉन स्मेल। नाउ आफ्टर दैट जॉन ने क्या स्मेल किया? जब उसके दादी ने उसे आँखें बंद करने के लिए बोला, दैट टाइम आई रिपीट माई क्वेश्चन, वॉट डज जॉन स्मेल, जॉन को किस चीज़ की स्मेल आ रही थी? येस, हियर इज द आंसर, जॉन स्मेल्स द एग्स, द टोस्ट एंड समथिंग एल्स दैट डजंट स्मेल गुड, दैट वॉज द स्मेल ऑफ द मैरीगोल्ड्स। येस, वेरी गुड। नाउ माई लास्ट क्वेश्चन इज वाई इज ग्रैंडपाज प्लेट लाइक अ क्लॉक। क्यों ऐसे कहा जाता है कि ग्रैंडपा की प्लेट क्लॉक के जैसे लग रही थी? आई रिपीट माई क्वेश्चन, वाई इज ग्रैंडपाज प्लेट लाइक अ क्लॉक? येस, हियर इज द आंसर, ग्रैंडपाज प्लेट वॉज लाइक अ क्लॉक बिकॉज टू एग्स वेर एट 9 o'clock एंड टोस्ट एट 2 o'clock एंड अ डलॉप ऑफ जैम एट 6 o'clock। दैट्स वाई दे वेर टेलिंग कि हिज प्लेट वॉज लाइक अ क्लॉक। आई होप डियर चिल्ड्रन यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टू पेजेस विच आई एक्सप्लेन्ड। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप आर लेक्चर। सो you have to watch this video properly, the summary which I explained, watch it properly and read both the pages properly so that you could understand the story. I will explain the next two pages in the next video. So thank you dear children.